तो ये वीडियो में हम बात करने वाले गाइस इनविक्टस स्पोर्ट्स एरिना के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो जैसा कि आप सब देख सक रहे हैं, वहाँ पे कुछ ग्राउंड्स दिख रहे हैं, देख सकते हैं ग्राउंड भी दिख रहा है। तो यहाँ पे इनका ग्राउंड भी है, मतलब हेस्ट 118 चिकबानावारा नॉर्थ हसरगट्टा रोड बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। और साथ ही में इसके बारे में आप सब जान सकते हो, इधर सुबह 6 बजे खुल जाता है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल सब दिया है, आप वहाँ से कॉल करके इसके बारे में और पता कर सकते हैं वहाँ पे। सो विद द बेस्ट इन टाइम, चलिए आगे पढ़ते हैं और इसके बारे में अच्छी तरह से और जानते हैं। या गाइस, सो अपन आ गए हैं इनविक्टस स्पोर्ट्स एरिना में। सच का ये स्पोर्ट्स एरिना ही है, देख सकते हैं इधर क्रिकेट का नेट लगा है, हैंडबॉल का लगा है, टेनिस कोर्ट लगे हुए हैं। ओके, और उधर में और एक हैंडबॉल का दिख रहा है, शायद उधर में फुटबॉल का भी है। ओके, तो अपन सब आपको दिखाएंगे धीरे धीरे। फिर यहाँ पे जो अपना फेवरेट है ओबियसली क्रिकेट का, थोड़ा देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एक कोई ड्रिल कर रहा है और एक नेट्स कर रहा है, पर ये लोग बॉलर इतना खास नहीं, पर ये बॉल लग गया अभी। और यहाँ बॉलिंग ड्रिल, स्पॉट बॉलिंग शायद। ओके, तो यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। और इधर जैसे मैं बताया था एक फील्ड है, ये देखिए। और ये सब शायद वाशरूम वाशरूम कुछ है, और मेरे को लग रहा है कुछ कैंटीन भी आ सकता है। यहाँ पे रिसेंटली कुछ हुआ लग रहा है, जैसे कि आप देख सक रहे हैं स्टेज बना हुआ है। और यह क्रिकेट का पिच, और यह जैसे कि मैंने बताया था फुटबॉल का उधर पोस्ट है, पर इधर का नहीं है, फुटबॉल पोस्ट ही था उधर का। देखिए यहाँ का शायद लगा लेंगे अगर होगा तो। रिसेंटली कुछ क्रिकेट का हुआ था लग रहा है, क्योंकि सब बाउंड्री सब लगाए रहते यहाँ पे हमेशा। इधर में डगआउट जैसा दिख सकते हैं, और काफ़ी शांति एरिया है, पीस माहौल है, यही बढ़िया। वो नहीं कुछ हुआ इधर, कुछ कप शाम कप दिल शाम कप समथिंग लाइक दैट। और साइड में यहाँ पे चल रहे हैं लोग। और देखिए ग्राउंड की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक खासा बड़ा ग्राउंड है, और घास सब भी है, क्योंकि बेंगलोर में घास वाला ग्राउंड देखना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसा ठीक है। तो जैसा कि मैं बताता था इधर भी हैंडबॉल का है, सही है, पर बीच बीच में ये क्या क्या डाल दिया वो पता नहीं, पर हैंडबॉल का ये दो पोस्ट। एंड ये लोग बैडमिंटन शुरू कर दिया, जबकि ये टेनिस का है, लेकिन बोले तो हाँ। तो काफ़ी अच्छा है माहौल, शांति भी है, बट यह इतना कुछ रिसर्च नहीं है। तो ये लोग वाशरूम वाशरूम कुछ रहे, और ये है कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आँख खराब एडवेंचर कुछ है, और मैट भी पड़ा हुआ है जिसमें शायद मैचेस करा सकते हैं यहाँ फील्ड पे। और बहुत ही कम यहाँ पे फील्ड दिखाई देता है जो इतना ग्रासी रहता है, ये तो जो पिच का मिट्टी है ना उस तरफ का रहता है। सो या ये पूरा आपको होल स्पोर्ट्स एरिना दिखा दिया, अब अपना जो फेवरेट है उसी की ओर अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी क्रिकेट भी सिखाया जाता है गाइस, क्रिकेट कोचिंग भी यहाँ पे कराए जाते हैं। उसके लिए डिटेल्स आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके जो दिया गया नंबर उसमें, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स अब थे वहाँ पे कोच आया था, उनका जाके सब ने पाँव को छुआ, तो काफ़ी अच्छा जेस्चर लगा मेरे को, काफ़ी रेस्पेक्ट उन पर दिखा। और यहीं पर साइड में बगल पे ऑफिस भी है, शायद वही रहेगा क्रिकेट का ऑफिस, वो मेरे को इतना से पता नहीं, आप कॉल करके डिटेल्स जान सकते हैं और यहाँ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यह गाइस, जानता हूँ कि ये ओनली फॉर क्रिकेट तो नहीं है, बट इसमें क्रिकेट भी शामिल था, और इसमें क्रिकेट कोचिंग भी कराया जाता है, तो ये इसे क्रिकेट एकेडमी भी बोल सकते हैं, पर वो एग्जैक्टली मेरा नाम और डिटेल्स पता नहीं है। बट या इसलिए मैं इसे ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट कोचिंग कराई जाती है, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस इन माय सीरीज़। सो होप्स यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और शेयर कर दीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो। आप चाहते हैं कि जो नहीं जानते इस जगह में रहने वाले उन सबको अगर पता चले इस अकेडमी के बारे में, तो सो इसी के साथ गाइस करते हैं इस वीडियो ख़त्म, और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप इन्जॉइंग।